AEW के फुल गियर पेपरव्यू का 0 आवर ओवर हो चुका है। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम यहां पर AEW के फुल गियर के 0 आवर को लेकर बात करेंगे। गाइज आज यहां पर AEW के फुल गियर पेपरव्यू के 0 आवर के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर आरवेश का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर एडी किंगस्टन आज यहां पर आरवेश का वर्ल्ड चैंपियनशिप आरवेश के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जे लिथल के खिलाफ डिफेंड करते गए। और क्योंकि मैच के अंदर जे लिथल शामिल होते गए तो गाइज इसीलिए जे लिथल की तरफ से संजय दत्त, सतनाम सिंह और जेफ जेरेट मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करते गए। बट गाइज यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर ओटीज यहां पर जेफ जेरेट और उनके फैक्शन पर अटैक करते हुए एडी किंगस्टन को मैच में जीतने में मदद करते गए। और गाइज ओटीज के मदद से एडी किंगस्टन जे लिथल को हरा के आरवेश के वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन करते गए, जिसके बाद की यहां पर 0 आवर के ऊपर हमें यहां पर क्लॉडियो कास्टागनोली एक्शन में देखने को मिले, जहां पर क्लॉडियो कास्टागनोली आज पेपरव्यू के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर बड़ी मैथ्यू को फेस करते गए। और गाइज यहां पर बड़ी मैथ्यू और क्लॉडियो के बीच में बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद क्लॉडियो के शार्प शूटर के साथ क्लॉडियो इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद बड़ी मैथ्यू और क्लॉडियो के बीच में हैंडशेक होता है। बट गाइज इसके बाद 0 आवर के मेन इवेंट के ऊपर AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF एक्शन में होते गए, जो कि समोआ जो के साथ टीम अप करते हुए आज यहां पर आरवेश के टैग टीम चैंपियनशिप गन क्लब के खिलाफ डिफेंड करते गए। और वैसे तो पूरे मैच के अंदर आज यहां पर समोआ जो और MJF मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए, बट गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर समोआ जो और MJF के बीच में आर्गुमेंट हो जाती गए, जिसका फायदा उठा के गन क्लब यहां पर समोआ जो और MJF पर भारी पड़ जाती गए। और गाइज गन क्लब मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी अरीना के अंदर सडनली एडम कोल का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइज AEW के फुल गियर के ऊपर एडम कोल बैसाखी के साथ अरीना में अराइव होते गए। और गाइज एडम कोल के इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के समोआ जो गन क्लब को पिन करके मैच को जीत जाते गए। बट गाइज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद जब समोआ जो बैक स्टेज पर वापस चले जाते गए तो गाइज गन क्लब MJF के ऊपर अटैक कर देती गए। और गाइज क्योंकि एडम कोल खुद इंजर्ड चल रहे गए, तो गाइज इसीलिए एडम कोल के रिंग साइड एरिया पर होने के बावजूद भी वो यहां पर गन क्लब से MJF को नहीं बचा पाते गए। और गाइज यहां पर 0 आवर के एंडिंग के ऊपर MJF को एम्बुलेंस में भर्ती करके हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि MJF के एम्बुलेंस में भर्ती होने के बाद अब पेपरव्यू के मेन इवेंट पर क्या होता है।